आज आप जो ये मेकअप लुक देखने वाले हैं, ये बहुत ही ग्लैमरस मेकअप लुक है जिसे हम ड्यूई फिनिश लुक बोलते हैं। हेलो एवरीवन, शीतल अमित कुमार फ्रॉम स्टूडियो ईसा मुंबई इंडिया। तो गाइस, ये जो मेकअप लुक होगा ये बहुत ही डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जाएगा। ये दिखता जितना ही आसान है ये उतना आसान नहीं है अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। तो गाइस, बिफोर हम स्टार्ट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर बार एक नया ट्यूटोरियल देखने मिले। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तैयार है आप आज का ये ड्यूई फिनिश मेकअप लुक सीखने के लिए। मेरी जो मॉडल है उसकी स्किन टोन है मीडियम से फेयर टोन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप से। उसके लिए मैंने लिया है आई बेस फ्रॉम टार्ट शेप टेप लिक्विड कंसीलर शेड लाइट न्यूट्रल। आई बेस लगाने का एक रीज़न होता है, वो है आप जो भी आई शेडोज यूज़ करो वो उसके ऊपर अच्छे से सेटल हो जाते हैं और कलर्स भी पॉप होते हैं। ध्यान रखिए, लिक्विड कंसीलर को तुरंत ही ब्लेंड करना है, नहीं तो वो बिल्कुल पैची हो जाएगा और क्रीज लाइन में बैठ जाएगा। सो ब्लेंड इट वेल। इसके बाद हमने यूज़ किया है मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट जो है NC35। स्टूडियो फिक्स यूज़ करने का रीज़न होता है आपके जो लिक्विड कंसीलर्स होते हैं उसको सेट करने के लिए। तो आपको सिर्फ ब्रश से लेना है और डैप करना है। याद रखिए, ब्रश को सिर्फ डैप करिए, बिल्कुल भी ब्रश को रब नहीं करना है। अब हम करेंगे आईब्रो डिफाइनिंग जो है कैलॉस वैनिटी से प्रो पोमेट शेड डार्क ब्राउन। और मैंने जो ब्रश यूज़ किया है वो है बूजी ब्यूटी का ब्रो डिफाइनर ब्रश। ये स्लांट ब्रश होता है ताकि आप आसानी से अपने आईब्रोज डिफाइन कर सकते हो। आईब्रो डिफाइनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप के लिए। गाइस प्लीज़, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है और अगर आप ये वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा नए नए और अच्छे अच्छे लुक्स आपको सिखाने का। इसके बाद हम चलते हैं आई शेडो की तरफ। सबसे पहले मैंने ली है बी परफेक्ट की कार्निवल 2 पैलेट। इसमें से हमने शेड लिया है लाइट पिंक या आप कह सकते हैं न्यूट्रल पिंक टोन, जिसे हमने सॉकेट एरिया और आउटर कॉर्नर में डिपॉजिट किया है और ब्लेंड किया है। द ब्रश दैट आई एम यूजिंग इज राउंड बफिंग ब्रश। अब हम लेंगे डार्कर पिंक टोन फ्रॉम द सेम पैलेट। इसको हम आउटर कॉर्नर में डिपॉजिट करते हुए सॉकेट में लेके जाएंगे और दोनों शेड को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। द नेक्स्ट पैलेट दैट आई एम यूजिंग इज बी परफेक्ट कार्निवल 3 पैलेट। गाइस, ये मेरी सबसे फेवरेट पैलेट है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। इसका हम डार्क पिंक टोन लेंगे और आउटर कॉर्नर में डिपॉजिट करेंगे और अगेन सेम मेथड से हम सॉकेट एरिया में उसको लेकर जाएंगे। द नेक्स्ट शेड दैट आई एम यूजिंग इज़ द पर्पल शेड, जो आपको सिर्फ आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट करना है और हल्का सा रेज करना है। गाइस, ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चारों शेड अपने आप में ऐसे मर्ज हो जाने चाहिए ताकि वो कहीं पर भी पैची ना दिखे। द नेक्स्ट शेड दैट आई एम यूजिंग इज़ द ब्लू शेड फ्रॉम कार्निवल 2 पैलेट। इसको हमें बिल्कुल पर्पल के बाजू में ही डिपॉजिट करना है और आपस में दोनों शेड्स को ब्लेंड कर देना है। द नेक्स्ट शेड दैट आई एम यूजिंग इज़ सिल्वरिश गोल्ड टोन, जो हम इनर कॉर्नर में अप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और मर्ज करेंगे अच्छे से। गाइज, ये जो कलर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये कलर व्हील थियरी समझने पर ही आपको अच्छे से सिलेक्ट करना और अप्लाई करना आ जाएगा। और ये जो कलर व्हील थियरी है ये हम हमारे एकेडमिक सेशन में, हमारे एकेडमी में, मास्टर क्लास में सिखाते हैं। द नेक्स्ट शेड दैट आई एम यूजिंग इज़ द ग्रे टोन फ्रॉम फॉरएवर 52 स्पूक्ड आई शेडो पैलेट। अब मैंने फॉरएवर 52 का फिक्सिंग स्प्रे लिया है और इससे मुझे एक फ्लैट आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश पे स्प्रे करना है। इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। इससे मैंने हाइलाइटर लिया है जो है एनेस्थेसिया बेवरली हिल्स का हाइलाइटर। इससे मैं ब्राउ बोन हाईलाइट करूंगी। और ये जो हमने स्प्रे किया था इसका ये रीज़न है कि जब भी आप हाइलाइटर इससे करोगे तो आपका हाइलाइटर और भी ब्राइट और शाइनी लगेगा। अब मैं ले गई हूँ जेल लाइनर फ्रॉम शॉपरेल और ब्रश जो मैंने यूज़ किया है वो है स्लांट लाइनर ब्रश फ्रॉम बूजी ब्यूटी। लाइनर्स अगर एक्सटेंडेड करनी हो तो स्लांट ब्रश ही बेटर रहेगा ताकि आप अच्छे से उसको
एक्सटेंशन दे सको और परफेक्ट शेप भी आ जाएगा। अब सेम जेल लाइनर मैंने यूज़ किया है इन द काजल एरिया बट विथ अ राउंड ब्रश सो दैट योर काजल इज़ परफेक्ट। और इस काजल को मैंने स्मच किया है एक स्टिफ फ्लैट ब्रश से ताकि आंखों के नीचे आपको जो परफेक्ट स्मोकी लुक चाहिए वो आ जाएगा। तो इसको मैं स्मच कर रही हूँ। जब तक हमारा लाइनर और काजल ड्राई हो रहा है तब तक हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वेट वाइप से फेस क्लीन कर लेंगे। मैंने यूज़ किया है डेटॉल के वेट वाइप्स। ये यूज़ करने का रीज़न है आपका जो भी आई मेकअप नीचे गिरा है वो क्लीन हो जाए एंड योर फेस इज़ रेडी फॉर दी बेस मेकअप। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा फ्रॉम रिकोड। आप कोई भी अच्छा वॉल्यूमाइजर मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मेकअप है ये ग्लैम मेकअप है इसीलिए मैं प्रेफर करूँगी ग्लिटर्स यूज़ करना, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ग्लिटर ग्लू फ्रॉम शॉपरेल। और ग्लिटर्स जो मैंने यूज़ किए वो है LIT के ग्लिटर्स शेड गन स्मोक। ये दोनों प्रोडक्ट को मैंने मेरी मेकअप मिक्सिंग प्लेट पे मिक्स किया है। मेकअप मिक्सिंग प्लेट कस्टमाइज्ड है और मैं इसका इंस्टा हैंडल पिन कर रही हूँ ताकि आप इसको ऑर्डर कर सको। सो ग्लिटर्स मैंने अप्लाई किया है राउंड ब्रश से जिससे आपका मेकअप आई मेकअप ब्लिंगी लगे। अब लैशेज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वॉल्यूम लैशेज फ्रॉम PAC नंबर M71। सो दिस एड्स ड्रामा टू योर आईज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेस। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है इसलिए आप ये कोई भी सीजन में या किसी भी स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये विंटर सीजन है इसलिए मैंने इसके स्किन पे एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है जो है यूरोप गर्ल का एसेंशियल ऑयल। इसको हल्के से पूरे फेस पे अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करना है ताकि ये ऑयल अंदर पेनिट्रेट हो जाए। याद रखिए आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा रहेगा तो आपका बेस फ्लॉलेस लगेगा। सो यस, ब्लेंड दिस एसेंशियल ऑयल वेल ताकि ये मर्ज हो जाए। अब मैं जो कंसीलर्स यूज़ कर रही हूँ वो है फैशन फीवर का करेक्ट एंड कंसील पैलेट। इसका जो डार्क शेड है वो मैं पिगमेंटेड एरिया पे अप्लाई करूँगी, जहाँ पे पैचेस है वहाँ पे अप्लाई करूँगी। हमेशा ध्यान रखिए जब भी पैचेस को कवर करना है तो 2 या 3 शेड डार्क टोन यूज़ करिए ताकि वो पैचेस अच्छे से हाइड हो जाए। ये जो प्रोडक्ट है वो HD प्रोडक्ट है इसलिए ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको यूज़ करना है, लेकिन ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी करनी है। गाइज आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको इस मेकअप के एंड में एक इतना अच्छा टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपके मेकअप को और भी एनहेंस्ड कर देगा। सो ब्लेंड द कंसीलर्स वेल, अच्छे से ब्लेंडिंग करिए। ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू अ फ्लॉलेस बेस। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेकअप फिक्सर फ्रॉम फॉरएवर 52। जब भी आप मेकअप फिक्सर करते हो आपको अपनी मॉडल को बोलना है या ब्राइड को बोलना है कि वो बिल्कुल भी स्माइल ना करे इस ताकि वो क्रीज लाइन बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगी। फैन से मैं ड्राई कर रही हूँ फिक्सर को। अब मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ये है शॉपरेल के फाउंडेशंस HD फाउंडेशंस शेड नंबर 2 और 6। कॉन्टोर टेक्निक जो आप मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है लेकिन बहुत ही ईजी है। ध्यान से देखिए मैंने फाउंडेशन कौन से एरिया पे अप्लाई किया है। ऐसे करने से ऑटोमेटिकली आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कॉन्टोर एरिया की, इससे आपका फर्दर कॉन्टोरिंग ईजी हो जाएगा। नाउ ब्लेंड दिस प्रोडक्ट विथ अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज़ फ्रॉम बूजी ब्यूटी। मेरे लिए ये सबसे बेस्ट ब्लेंडर्स है, बहुत ही सॉफ्ट है। सो यस, ब्लेंड द फाउंडेशन। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट NC35। इसको पूरे फेस पे अप्लाई करिए ताकि आपका फाउंडेशन लॉक हो जाए विथ अ राउंड बफिंग ब्रश। दिस इज़ दी हाईलाइटर टार्ट शेप टेप लाइट न्यूट्रल। ध्यान से देखिए मैंने कैसे हाईलाइट एरियाज को डिफाइन किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपके लिए एक गाइडलाइन बन जाएगी। सो दीज आर द एरियाज टू बी हाईलाइटेड। हाईलाइट और कॉन्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये आपके फीचर्स को और भी एनहांस करते हैं, फेशियल फीचर्स एनहांस हो जाते हैं। ब्लेंड द लिक्विड कंसीलर वेरी क्विक बिकॉज वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अब मैंने यूज़ की है कंसीलर पैलेट फ्रॉम शॉपरेल और ब्रश जो मैंने यूज़ किया है वो है बूजी ब्यूटी का स्लांट कॉन्टोर ब्रश।
कंसीलर ब्राउन है और इससे मैं कॉन्टोर करूँगी। जो गाइडलाइन हमें मिली थी बस उसी पे आपको इसे अप्लाई करना है और टेम्पल एरिया पे भी मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। नोज कॉन्टोर मैंने किया है स्लांट ब्रश फ्रॉम PAC। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का ड्राई पाउडर शेड बनाना ब्रेड। ये यूज़ करते हैं अंडर आई पे ताकि जो भी छोटी छोटी क्रीज फॉर्म होती है वो नलीफाई हो जाए, वो निकल जाए और आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी क्रीज में सेट नहीं होगा। बिकॉज इट्स अ ड्यूई मेकअप, शाइनी मेकअप, इसलिए ब्लश भी मैं आज यूज़ करूँगी, क्रीम ब्लश, नॉट अ पाउडर ब्लश। और ये ब्लश है फैशन फीवर का। कॉन्टोर जो मैंने कंसीलर से किया था शॉपरेल से, उसको मैं लॉक करूँगी ड्राई कॉन्टोर से विच इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ लगे। अब मैं हाईलाइट करूँगी अमरेजी फ्रॉम एनेस्थेसिया बेवरली हिल से। हाइलाइटर्स आर माय फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप गाइस। इसी प्रोडक्ट से आपके मेकअप पे शाइन और ड्यूई मेकअप लुक आता है। लिपस्टिक अब मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं दो शेड मिक्स कर रही हूँ। एक है पिंकिश शेड फ्रॉम रिकोड और उसके बाद उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी एक ब्राउनिश टोन अगेन फ्रॉम रिकोड। इन दोनों को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइस ज़रूरी नहीं है आपके पास हर एक शेड लिपस्टिक का होना चाहिए, आप दो या तीन शेड मिक्स करके एक नया शेड भी बना सकते हैं। Give a proper finished line to your lips and blend the product well. Guys, ये जो डिटेल में आपने आज मेकअप सीखा है ना, ये हम हमारी एकेडमी में विथ प्रैक्टिस आपको सिखाते हैं, आपको हमारे सामने प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो जो टिप मैं आपको देने वाली थी वो है कि जब भी आपका मेकअप बेस मेकअप करते हैं तो जाहिर सी बात है वो हल्का सा बालों में भी चला जाता है, आगे से बाल वाइट दिखते हैं, तो वो क्या, वो उससे कैसे क्लीन करना है, वेट वाइप लीजिए और इससे हल्के हाथों से उन बालों को क्लीन करिए ताकि आपका मेकअप और भी अच्छा दिखे। तो ये थी मेरी आज की सीक्रेट टिप फॉर अ वेरी गुड मेकअप, फॉर अ फ्लॉलेस मेकअप। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।